हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आलोक आईक्यू। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं। हमारे मन में सदैव तरह तरह के भाव और विचार उत्पन्न होते रहते हैं। इन्हें कभी हम संकेतों से, कभी बोलकर और कभी लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। अतः विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भाषा होता है। भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसमें ध्वनियों और उनके चिन्हों द्वारा हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं। वह भाषा जिसे शिशु सर्वप्रथम अपने माता पिता और पारिवारिक परिवेश से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा किसे कहते हैं। हमारे देश में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसका अधिकतर देशवासियों द्वारा आसानी से प्रयोग किया जाता है। हमारे संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। सरकारी कामकाज में काम आने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के तीन रूप होते हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा। जब मन के भाव संकेतों द्वारा प्रकट किए जाते हैं तो भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। गूंगे बहरे व्यक्ति सांकेतिक भाषा द्वारा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसका बोलने तथा सुनने के लिए प्रयोग होता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा। मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए भाषा के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं। भाषा में बोलने के लिए प्रयुक्त ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों के प्रयोग द्वारा भाषा लिखने के विशिष्ट ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे गीता, देवनागरी लिपि, गीता रोमन लिपि में। व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, लड़का खाना खाती है, ये गलत है। लड़का खाना खाता है, ये सही है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के तीन अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण। व्याकरण का यह अंग वर्णों, उनके आकार, उनके लिखने की विधि, उनके भेद तथा उनके उच्चारण का ज्ञान कराता है। शब्द। व्याकरण का यह अंग शब्दों, उनके भेदों, उनकी उत्पत्ति तथा रूपांतरण आदि का ज्ञान कराता है। वाक्य। व्याकरण का यह अंग वाक्यों के भेद, उनकी रचना तथा विराम चिन्ह आदि का ज्ञान कराता है।